गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आप फोन पे बात नहीं कर सकते थे, जबकि हमारी सारी लाइंस जो है वो सिक्योर है? बात ही कुछ ऐसी है कमिश्नर. अजीत तुम खा रहे हो ना? लग तो नहीं रहा. अरे मिनी आई हैव अ फ्लाइट टू कैच यार. तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना. हाँ बट खाते ही नहीं हो. पूरा 2 किलो वेट कम हो गया तुम्हारा. एक बात बताओ, ये 50 ग्राम के 2 अंडे मेरा 2 kg वेट बढ़ा देंगे क्या? तुम चुपचाप खाओ, खाते ही नहीं हो. किसका बोला? याचंद का. नो नो आई एम रेडी. अरे आई एम इन द लिफ्ट. आ रहा हूँ बस, आ रहा हूँ. ओके ओके. मॉर्निंग यार. You're 5 minutes late. So sorry. अजी. गाड़ी स्टार्ट कर. चंदू आ जाएगी, वो आ जाएगी. आ गई. रुकते नहीं हो. क्या हुआ बेब? हाय चंदिका. हाय मिनी. तुम आजकल ख्याल नहीं रखती इसका, कितना वीक हो गया ये. जोक था ये, मजाक कर रही है वो. जोक. ये पकड़ो, सैंडविचेस है, खा लेना. ऊपर खाया ना अभी. कितना सा? कितना सा? चंद्रिका तुम्हारे लिए भी मैंने एक सैंडविच. हाउ स्वीट. प्लीज मेक श्योर ये खा ले. डोंट वरी, मैं इसको सब कुछ खिला दूंगी. आई टेक केयर ऑफ इट. ओके बाय. चलो बाय बाय. स्टॉप स्टॉप. क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवाई? यू वांट वन? नो. श्योर? या ओके. कहाँ जा रहे हो? आता हूँ. जैसी कम ऑन. खा ले खा ले खा ले. खा लियो. जॉब डन. इतनी मेहनत से मैंने वो सैंडविचेस बनाए थे तुम्हारे लिए और तुमने उस डॉगी को खिला दिया. आई नो. तुम्हारा कॉन्शियंस पिक नहीं करता तुम्हें? करता था. और अब? बड़ा आदत हो गई. चले. या ऑल कर सकते हो. जय हिंद सर. जय हिंद. रवि ना आधा घंटे में मैं यशोटी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग करना चाहता हूँ. ओके सर. मॉर्निंग रवीना. गुड मॉर्निंग. मैं तुम्हें फोन करने वाली थी. वो नहीं, वो छोड़ो. पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे कार्ला को एक ईमेल भेजने के लिए कहा था. ईमेल? ओह माय गॉड. आई एम सो सॉरी श्रीकांत. आई एम सो सॉरी. वो बात मेरे दिमाग से निकल गई. मैंने नहीं भेजा अभी तक. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं अभी भेज देती हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. इधर आओ. वो ईमेल ना भेजने की वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ जानती हो? वो मैंने जानबूझ के. यार, I'm gonna give you a big hug, princess. Come here. Thank you. You're welcome. Yeah. Actually, वो ईमेल ना भेजकर तुमने मेरे लिए एक बड़ा फेवर किया है. Unknowingly. I mean, जो मुझसे हमेशा कहती थी कि वो मुझे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो एक्चुअली मुझे ट्रस्ट करती है, ये साबित हो गया. So, thanks. मैं समझी नहीं. अच्छी बात है. और मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता. तुम मुझे फोन करने वाली थी क्यों? हाँ, कमिश्नर सर का फोन आया था. वो बस यहाँ पहुँचने वाले होंगे. ही वांट्स एन अर्जेंट मीटिंग पूरी टीम के साथ. ओके. बशीर और मदन को कॉल करके पूछो कहाँ. सी यू. सो सर, दिस मींस आईसीडीसी में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी. आग लगाई गई थी नहीं, वो इनको दरअसल मारना चाहते थे, डॉक्टर महाजन को. बट बाय गॉड्स ग्रेस डॉक्टर महाजन अभी जिंदा है. कल रात ही उन्हें आईसीयू में होश आया है. डॉक्टर साहब, आईसीडीसी की आग को तो ऑलरेडी 4-5 दिन हो चुके हैं. तो अब तक तो इन दोनों ने एंटीडोट भेज दिया होगा, थोड़ी ना लेके बैठेंगे अपने पास. दैट इज द बिगेस्ट वरी बशीर. दैट इज द बिगेस्ट वरी. वी आर अफ्रेड कि एबोला का एपिडेमिक जानबूझकर फैलाया ना जाए. ये वायरस बहुत ही भयानक वायरस है. अगर बाई चांस ये मुंबई जैसे शहर में फैला दिया जाए तो लाशों के ढेर लग जाएंगे और जलाने के लिए
लकड़ी नहीं मिलेगी और दफनाने के लिए जमीन। Hi guys, sorry I'm late. तुम्हें केस की ब्रीफिंग मिली? Yeah. So guys, सबसे पहले हमें उस फार्मा कंपनी को आइडेंटिफाई करना है जिसने इबोला वायरस और उसके एंटीडोट की डील की। Yeah, but हजारों फार्मा कंपनीज हैं। It'll be like finding a needle in a haystack. In a way, you're right, Ravina. But अगर factually देखे, तो काफी आसान है। See. डॉक्टर सजीव ने कहा था कि वायरस और एंटीडोट की जो डील है मुंबई की किसी फार्मा कंपनी ने की है। इसका मतलब ये फार्मा कंपनी का बेस मुंबई है। What a revelation, Carla. See, but the problem is that हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं। Let her finish, princess. Go on, Carla. रवीना कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि इस केस की प्राइमरी मीट पर मैं इंट्रूड कर रही हूँ? Let me make one thing very clear. मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। श्रीकांत ने मुझे बुलाया है। बिल्कुल। और कार्ला को मैंने इस मीटिंग में इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि फार्मा उसका प्राइमरी फील्ड है। ओके चीफ। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि मुंबई बेस्ड ऐसी कौन सी फार्मा कंपनीज है जिनका टर्न ओवर 50,000 crore से ऊपर, क्योंकि छोटी मोटी फार्मा कंपनीज इतनी बड़ी डील नहीं कर सकती। I too completely agree with Carla. So, इन सारी कंपनीज के पास्ट रिकॉर्ड्स निकालो और चेक करो कि इनमें से कितनी कंपनीज ने पास्ट हिस्ट्री में शेडी डील्स की है, किस पर कितना लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस है। And that's your area of expertise, princess. So, dig deep and dig fast. You got it, chief. Thank you so much, Carla. See, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। Let's get to work. मैंने सुखेजा साहब को एयरपोर्ट से पिकअप किया और क्या हुआ बोलो। और साहब, हमारी गाड़ी को दो गाड़ी ने आकर रोका, कुछ लोग बाहर निकले, मेरे मम्मी को स्प्रे मारा, मैं बेहोश हो गया। काम कर, तुम्हें रुक, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एकदम गिफ्ट रैप करके रखा है। गुड, शाम को डैनी आएगा कैश के साथ, पैकेज उसे दे देना। कूल, डॉक होते से सीधे सैमसंग के गैराज जा, वहां से सुखेजा की डिलीवरी लो, 25 पेटी देना है उसे। कैश रास्ते में लॉन्ड्री से पिकअप कर लेना, मैं उन्हें कॉल कर लूँ। गाइस, मुंबई में 5 बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 50,000 crore से भी ज्यादा है, इनफैक्ट कहीं ज्यादा है। इनमें से 2 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके इम्पेकेबल रिकॉर्ड्स हैं। बाकी बची 3 में से 2 के नाम है डायना फार्मा एंड एडल्फी फार्मा। अब ये दोनों कंपनीज 80 साल पुरानी है एंड देर प्रीटी लेजिट। बट जो तीसरी कंपनी है आर के फार्मा, इसको इनके बराबर आए सिर्फ 12 साल हुए हैं। अब मैंने इन तीनों कंपनीज पे बैकग्राउंड चेक किए, पहली 2 कंपनीज के बारे में कुछ खास नहीं पता चला, लेकिन आरके फार्मा का पास्ट बहुत ही शेडी है। 12 साल में 15 लिटिगेशंस और 7
पैटर्न चोरी के केसेस और कोर्ट में आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है. एंड गेस हु द ओनर ऑफ आरके फार्मा इज. अमित कौरा का बाप रोहित कौरा. किडनैपर्स में से किसी को पहचान सकते हो? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ भी पता नहीं चला. ठीक है, दो दिन की छुट्टी ले लो. बलराज सर. जी सर. सर एक बात पूछूं. सुखेजा के बॉडी में इबोला वायरस का एंटीडोट है जिसके लिए सर आपने $50 मिलियन खर्चा किया. उसका किडनैप हो गया और अब इतनी रिलैक्स है. जिसने भी ये किडनैपिंग की है वो अच्छी तरह से जानता है कि डॉक्टर सुखेजा की बॉडी के अंदर इबोला वायरस का एंटीडोट है और उसकी कीमत क्या है. एक सेकंड सोच कर देखो, मुंबई तो दूर, पूरे इंडिया में ऐसी कौन सी बड़ी फार्मा कंपनी है जो इबोला वायरस के एंटीडोट की कीमत तो दूर उसे छूना तक चाहेगी. नहीं सर, इनफैक्ट वो सेलर को पकड़वा भी सकती है. तो बचा कौन? हम. सर एक सेकंड. हेलो, व्हाट? होल्ड करो सर, कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से फोन है. किसी ने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैक कर लिया है. शायला. यस मैम. श्रीकांत सर को बोलो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है. यस मैम. आईटी डिपार्टमेंट के हेड से बोलो सारे कंप्यूटर सर्वर्स को शट डाउन कर ले और कंपनी बिल्डिंग को हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर रख ले. आई डोंट वांट एनी मोर ब्रेक-इंस. सर. सब कुछ अमित की एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से हो रहा है. हाय रवीना. हाय. क्या ब्रेक थ्रू है रवीना? इंग्लिश में एक सेइंग है, फॉलो द मनी ट्रेल. मैंने रोहित कौरा की कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैक किया एंड बिंगो. 5 दिन पहले रोहित कौरा की कंपनी आरके फार्मा से एक अकाउंट में $50 मिलियन ट्रांसफर हुए. किसके अकाउंट में? ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का अकाउंट है और ये अकाउंट इंटरपोल की वॉच लिस्ट में भी है. एंड आई एम श्योर रोहित कौरा ने ही इबोला के वायरस और उसके एंटीडोट को खरीदा है. लगता तो है, बट ये सब एक गेस वर्क है रवीना. सबसे इंपॉर्टेंट है रोहित कौरा को इबोला की एंटीडोट डील से कनेक्ट करना. वो कैसे करेंगे? एक काम करो, ये रोहित कौरा पिछले 7 दिनों में कौन कौन सी लोकेशंस पर गया है ये चेक करो. माय टीम इज ऑलरेडी ऑन इट. गुड. डीजी बस रेडी करो. आज से आरके फार्मा की बिल्डिंग पर 24 घंटे का सर्वेलेंस रहेगा. मतलब अपने ऑपरेटिव से कहना कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ फैल जाए. बिल्डिंग के अंदर कौन घुसता है, कौन बाहर आता है, मुझे सबका रिकॉर्ड चाहिए. डन. वी विल डू इट राइट नाउ. ऑलराइट, लेट्स मूव. गुड. गुड. सी यू. हाय डैड. फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी डैड, वो एक्चुअली बोर हो रहा था तो वीडियो गेम खेलने लग गया था और हेडफोन्स की वजह से रिंगटोन सुनाई नहीं थी. इज एवरीथिंग ऑलराइट डैड? आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग ओके. रॉबी को फ़ोन दो. रॉबी यहाँ दिल्ली में? रॉबी अब तक फार्म हाउस क्यों नहीं पहुँचा? आई डोंट नो सर, कल मैं उसे खुद एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके आया था. अमित मेरी बात ध्यान से सुनो. जी डैड. मेरे कॉल के बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके सिम डिस्ट्रॉय कर देना. मैं 10 मिनट में वहां गाड़ी भेज रहा हूं. लीव इमीडिएटली. बट व्हाई? जस्ट डू एज आई से. ओके डैड. चंद्रिका कम इन.
रवीना, वी आर ऑन आवर वे टू सैनिक फार्म्स। 10 मिनट में रोहित कौर अमित के लिए गाड़ी भेज रहा है। यू नो व्हाट टू डू, राइट? करेक्ट। हमें भी पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे रवीना। अरे अमित बाबा, ऐसा अचानक बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? भाड़ में। और हाँ, अगर तू 40 साल और छोटी होती ना लक्ष्मी, तुझे भी साथ लेके जाता। चलेगी? कहाँ भाग रहे हैं? क्या हा? चल चल। वो कौन हो तुम लोग? गाड़ी में तो बैठ ही रहो, इंट्रोडक्शन देते अपना। चल। तुम लोगों ने बताया नहीं अभी तक, तुम लोग हो कौन? SOT, सर्जिकल ऑपरेशंस टीम। तुम लोग SOT से हो? मतलब किसी गवर्नमेंट एजेंसी से ना? यार तुम लोग ने तो मुझे डरा ही दिया था यार। और मैं यहां समझ रहा हूं कोई गैंग मेरा किडनैप कर रहा है। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? तू जानता है हम कौन है? मेरे बाप के पैसों पर नाचने वाले डॉग्स हो तुम, कुत्ते। तुम लोग जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। मुंबई से कॉल है कमांडर। हाँ पार्कर, कहाँ हो तुम? अभी मुंबई पहुंचा। और डॉक्टर सुखेजा का क्या हुआ? डैनी उसकी डिलीवरी लेने जा रहा है। जैसे ही डिलीवरी मिले फोन करना और पूरा एहतियात रखना पार्कर। डॉक्टर सुखेजा की बॉडी में मेरे भाई समरुल्ला की जान है। पहुंचो। Guys, have a look at this. रोहित कौरा 3 दिन पहले चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में था, और ये टिकट्स इस बात का प्रूफ है। तो ICDC के लैब वाला एरिया। Yes. और उसकी कंपनी ने रीगल कार रेंटल से एक मर्सिडीज हायर की थी, एंड उस कार के ट्रांसपोंडर की लोकेशन भी उस जगह से मैच करती है। इंटरेस्टिंग। मतलब जिस दिन ICDC की लैब में आग लगती है, उसके अगले ही दिन रोहित कौरा जीरकपुर जाता है, और उसी सेम दिन उसकी कंपनी से $50 मिलियन का ट्रांसफर होता है एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट। अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है यार। विदाउट सॉलिड प्रूफ रोहित कौरा जैसे आदमी को SOT भी अरेस्ट नहीं कर सकते। सॉलिड प्रूफ? क्या बात है मोहतरम श्रीकांत साहब। मोहतरम, दैट्स अ न्यू वन। इज अ सॉलिड प्रूफ मतलब जिस आदमी को क्रिमिनल्स को मार पीट के डरा धमका करके कुछ भी कन्फेस करवाने में यकीन है, उसे सॉलिड प्रूफ चाहिए। क्यों भाई, कैसे क्यों? बात यह है बशीर मियां कि एक ही लाठी सब पर नहीं आजमाते। मैं हर बार एक ही रूल नहीं फॉलो करता, और डराऊंगा धमकाऊंगा तो मैं रोहित कौरा को भी, and I promise you, तेरे सामने करूँगा। Team SOT, come in। हाँ चंद्रिका, बोलो। हमने मिकी माउस को पकड़ लिया है। Good job। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? बस एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा सुनो, अमित कौरा के साथ बिल्कुल भी सख्ती मत बरतना। ये तुम कह रहे हो श्रीकांत,
after everything he did with Bhagyashree. हाँ ये मैं ही कह रहा हूँ. तुम जानती नहीं हो यहाँ पर सिचुएशन क्या है. इस अमित कौरा के बाप ने ही बोला वायरस और उसके एंटीडोट की डील की है. आगे जाकर ये अमित कौरा एज लेवरेज हमारे काम आ सकता है. Whatever you say, Chief. हीरो मेरी बात ध्यान से सुन. मैं रिपीट नहीं करूंगी. तेरे पास दो ही ऑप्शन है. या तो तू अपना एक गटर जैसा मुंह बंद रखकर चुपचाप हमारे साथ चल. सुन नहीं तू. या फिर तेरे पास एक और ऑप्शन है. तेरे को बेहोश करके बोरे में डाल के फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट से लेके जाए. जल्दी बोल, टाइम नहीं हमारे पास. सर हिला के बोलना. टक करेगा कोई चालाकी नहीं चाहिए, समझा? So, where are you from? From Namibia. So, how come India? कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस क्लास. चल तुझे तेरा क्लास सिखा दूँ. इसी 828 के सभी पैसेंजर्स को क्वारंटीन करना होगा सर. आईसी 828 के सभी पैसेंजर्स को सेकेंडरी रनवे से हैंगर 14 में शिफ्ट कर दिया गया है. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ सभी पैसेंजर्स ने सर्जिकल मास्क भी पहने हुए हैं. लेकिन क्यों? अगर इबोला जायर का एंटीडोट नहीं मिला तो आई एम अफ्रेड बट इट इज ट्रू, कोई भी पैसेंजर नहीं बचेगा.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.